उस लड़के को बुलाइए, अभी सीधा करता हूं उसे। बुला के लाओ उसे। किसको सीधा करने आए विराट सर? सही, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम बिना परमिशन के? मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको बोला था ना, आप मुझे बिना बताए मेरे कॉलेज नहीं आएंगे, फिर आप क्यों आए? ये कोई तरीका है एक आईपीएस ऑफिसर से बात करने का? सही, तुम जानती भी हो ये है कौन? मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ सर। कैसे? मैं इनके घर में रहती हूँ। तुम तो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ रहती हो। हाँ, मैं अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के साथ ही रहती हूँ सर। लेकिन तुमने कहा कि तुम एसीपी जवान के साथ उनके घर में। ये मेरी सास के बेटे हैं। मतलब एसीपी जवान तुम्हारे हस्बैंड हैं? हाँ सर, एसीपी विराट चव्हाण मेरे हस्बैंड है। सर, इतने फेमस आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है? हाँ, और इसने हमको बताया तक नहीं। अब तुम प्लीज यहां से जाओगी, जरूरी काम करना है। जरूरी काम? आज कौन सा नया झूठा बहाना बना के आए हैं? कौन सी नई परमिशन देनी है आपको नायक सर को? ये खुद नहीं आए, मैंने इन्हें बुलाया है। आज वैलेंटाइन्स डे है, कॉलेज के लड़के लड़कियां तैयार होकर आते हैं, मस्ती करते हैं, आपस में बातें करते हैं, गाते बजाते हैं, पर कभी कभी कुछ सरफिरे लोग ऐसे दिनों का फायदा उठाकर लड़कियों को परेशान करते हैं। उत्कर्षा, एसीबी सर को बताओ कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सर, मेरा नाम उत्कर्षा है और मेरी क्लास का एक लड़का रंजीत, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो मुझे कई बार प्रपोज कर चुका है और हर बार मैंने उसे साफ साफ कहा है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन सर, आज उसने मुझे धमकी दी है। उसने कहा है कि आज वैलेंटाइंस डे पर अगर मैं उसके साथ डेट पर नहीं गई तो वो कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देगा। और सर, फिर पुलिस मुझे। तुमने बिल्कुल ठीक किया उत्कर्षा, जो तुम डॉक्टर नायक के पास आके कंप्लेन किया तुमने। ऐसे केसेस में कई बार अनफॉर्चुनेटली लड़कियां डर जाती हैं और चुप रह जाती हैं, इससे रंजीत जैसे लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती है। सर, रंजीत को ले आया। अरे क्यों परेशान कर रहे इसे? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, यही झूठ बोल रही है सर। झूठ बोल रही है? उत्कर्षा, अभी मेरे सामने, हम सबके सामने इसे ये कहो कि तुम इससे प्यार नहीं करती हो और कभी इसके साथ डेट पर नहीं जाओगी, बोलो। रंजीत, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ कभी डेट पर जाऊंगी। इसने तो ना बोल दिया, और तूने इससे कहा था ना कि अगर ये ना बोल देगी तो तू बिल्डिंग के छत पर से जाके कूद जाएगा और अपनी जान दे देगा। ना बोल दिया, अब तेरी बारी, चल कूद। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, पता है तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि तू अब करेगा। गायरे लवड़ी महाराज जी, खूब शौक है का? कूदना, अरे कूदना रे बाबा, दिखा दे हम सबको तेरा त्याग, तेरा बलिदान। और हाँ, कूदने से पहले ना एक जरूरी बात सुन ले, हम सब गवाह रहेंगे कि तू अपनी मर्जी से कूद रहा है, इसमें उत्कर्षा का कोई हाथ नहीं है। No!
नहीं सर, सर, सर प्लीज छोड़ दो सर, नहीं सर, सर प्लीज सर छोड़ दो, गलती होगी सर। ए हीरो, उतना नहीं सर। यही बोला था ना तू उत्कर्ष से, मैं जान दे दूंगा, कूद जाऊंगा, कूद। नो नो सर, गलती होगी सर, गलती होगी। ये टाइम नहीं हमारे पास, चल कूद। सर 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 प्लीज, गलती होगी सर। थोड़ी तो वैल्यू कर अपने खुद की जबान की, ऐसा आदमी है तू। वर्तमान कूद। नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, सर नहीं, माँ के सब नहीं होगा सर, नहीं होगा। लड़कियों के ना का मतलब ना होता है, उसमें हाँ ढूंढना बंद कर। अगर किसी लड़की को हाँ बोलना होगा ना, तो वो हाँ ही बोलेगी। दूसरों के फैसले की इज्जत करना सीख। और हम सबको पता है, तो ये बिल्डिंग से कूदने नहीं वाला था। तेरी ये खोखली धमकियों को अपने झूठे प्यार का सर्टिफिकेट बनाना बंद कर। पढ़ लो। I'm so sorry, sir. Sorry, मुझे नहीं। उत्कर्षा को बोल, डॉक्टर नायक को बोल, वो भी रिटन में। Yes, sir. और हाँ, आगे से कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा सर। उत्कर्ष फोन दो। अब मेरा नंबर तुम्हारे स्पीड डायल में सेव्ड है, अगर ये तुम्हें फिर से परेशान करने के बारे में सोचे भी ना, एक कॉल कर देना मुझे। मैं या तो मेरी टीम फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। I'm so sorry, उत्कर्ष, मुझे माफ कर दो। आज शाम तक मुझे रिटन अपॉलॉजी चाहिए, और अगले 7 दिनों के लिए तुमको मैं कॉलेज से सस्पेंड करता हूं। थैंक यू एसीपी जवान, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पर आए और इतने सीरियस मैटर को आपने इतनी समझदारी से संभाल ली। आई एम सो ग्रेटफुल। सर, रियली थैंक यू सो मच। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, बट आपने आके सब ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं जासूसी करने आया था? नहीं, बोल दो। अगर डांटना फटकारना रह गया हो तो वो भी सुन लेते हैं, बोल दो। आप कुछ भी कहो, मेरे लिए तो आप केजे ही रहने वाले हो, खड़ूस जासूस। मैं जानती हूँ आज आप जासूस की हैसियत से नहीं आए, बल्कि एक जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर की हैसियत से बुलाए गए। लेकिन हाँ, फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपको डांटूं, तो ठीक है, आप तो जानते हो मैं डांटने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। डांटूं? मैं जानता हूँ तुम हमेशा तैयार रहती हो डांटने के लिए, लेकिन आज नहीं। वैसे विराज सर, मानना पड़ेगा आपने इतनी अच्छी तरीके से मैटर हैंडल किया, लेकिन आपने रंजीत को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सही, अरेस्ट करना बहुत आसान था, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक इंसान की गलती के लिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। अगर मैं रंजीत के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर लेता, गिरफ्तार तो हो जाता, लेकिन वो लाइफ में कभी सबक नहीं सीख पाता। हाँ, वो तो है। विराट सर। हाय। है। एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। क्या बात है, मिसेस सही विराट चौहान, मतलब जो ऑफिसर सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है, तू घर पे उसी को ऑर्डर सुनाती है। सही है यार। एक बात तो है सही, तू है बहुत लकी जो तुझे विराट सर जैसे हस्बैंड मिले। क्या पर्सनैलिटी है यार, सच सच बता, पहली नजर में प्यार हो गया था ना? लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, कुछ भी। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, वो भी सही हो ही नहीं सकता। पक्का विराट सर को लव एट फर्स्ट साइट हुआ सही को देख, है ना सही? तुझे विराट सर ने प्रपोज किया था ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये प्रपोजल, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कोई एंगल नहीं है हमारी स्टोरी में। अच्छा, एंगल हम दिखाते हैं तुम्हें सारे एंगल्स। सही, मैं चलता हूँ। विराट सर, एक मिनट, वो एक सरप्राइज साथ में। सरप्राइज? सर वो आज वैलेंटाइन डे है ना। वैलेंटाइन से तो तुम मुझे फूल दोगे। नहीं नहीं सर, भला मैं आपको क्यों फूल दूंगा, ये फूल आप देंगे, वो भी सही को।
जानते हैं सर आपको वैलेंटाइन डे पसंद नहीं है, लेकिन प्यार की निशानी समझकर सही को रोजी दे दीजिए ना। नहीं, ये सब चीजें तुम कॉलेज स्टूडेंट्स को सूट करती है, अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी सर, आपने यही तो कहा था, प्यार किसी एक खास दिन का मोहताज नहीं है, तो वैलेंटाइन डे ना समझ के सही, एक नॉर्मल डे ही समझ के दे दीजिए। और वैसे भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्लावर्स तो दे ही सकता है ना, प्लीज सर दे दीजिए ना प्लीज। अरे क्यों फोन कर रहे हो, मना कर रहे हैं? आपको ये फूल देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे बीच में कौन सा प्यार भी आ रहे, रहने दीजिए। प्यार को किसी एक रिश्ते में बांधा नहीं जा सकता सही, प्यार तो परिवार वालों के बीच में भी होता है, दो दोस्तों के बीच में होता है, पति और पत्नी के बीच में भी होता है, प्यार उन दोनों के बीच भी होता है जो हमेशा एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं। और सही, मैंने भी हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहा है। ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैं चलता हूँ।